फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत पर हिमाचल के कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह के विवादित बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि जिनके खिलाफ वो बोली हैं वे बहुत समर्थ हैं। इन बातों का जवाब देने के लिए उनको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। महिला शक्ति पर विवादित भाषा का उपयोग किए जाने के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि ये तो कांग्रेस का चरित्र है, महिला विरोधी। उन्होंने महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके भट्टियों में भूना है, आप भूल गए इस बात को। उन्होंने नैना साहनी हत्याकांड की याद दिलाई। करते हुए एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कंगना रनौत के लिए, जो बीजेपी कैंडिडेट है, हसीन परी है, वोटों में तब्दील नहीं कर पाएंगी, लोगों को जुटा तो पा रही है भीड़ से। मुझे लगता है कि जिनके खिलाफ वो बोली है वो इतनी समर्थ है इन बातों का जवाब देने के लिए कि उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन महिला वो जो लड़ रही है चुनाव, क्या नाम बताया, उनको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, पान खाए वो टपक रहा है। तो तब भी क्या मानते हैं महिला शक्ति होने के नाते इस तरह शब्दों का उपयोग करना? पहले मंडी में भाव उनके लिए कहा गया और अब इस तरह के बयान दिए गए उनके लिए। तो कांग्रेस का चरित्र है ना महिला विरोधी, उनने महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके उनको भट्टियों में भूना है, आप भूल गए क्या इस बात को? जब भट्टियों में भुना गया था नैना साहनी कांड, जो नैना साहनी थी ना शायद, हाँ, जो कांड हुआ था, तो इनका तो यहाँ पर भी जिंदा जला दिया था। और उसमें स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कांग्रेस के, उनके भाई का सबका हाथ माना गया था, वो कांग्रेस की ही नेत्री थी जिसको आग लगा दी गई थी, क्या नाम था उसका, मिश्रा, एक मिश्रा थी वो, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको स्मरण हो तो, आप लोग भी छोटे हो ना अभी। जी हाँ, भोपाल में आग लगा ली थी उस महिला ने, याद लगा ली थी कि लगा दी गई थी, आज तक नहीं खुल पाया। तो इनका तो चरित्र ही महिला विरोधी है, इसलिए ऐसी बातें बोलेंगे। बाकी वो लड़की जो है, वो फिल्मी हीरोइन जो खड़ी हुई है, वो सक्षम है अपने आप को, अपना बचाव करने में, वो बहुत ताकत से अपना बचाव करती हैं और बोलती बंद कर देती हैं विरोधी।